बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपकी अमल का बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पर हमने पूरे पाकिस्तान से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड लोग हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली से हैं या वो नेशनल असम्बली से हैं या वो कैंडिडेट्स जो कि इलेक्शन लड़े लेकिन फॉर्म 47 की वजह से वो इलेक्ट नहीं हो सके, उन सब का एक इकट्ठा था। और ये पहली दफ़ा इलेक्शंस के बाद हमारी एक सारे सूबों से एक शराकत हुई, मुलाकात हुई, ख्यालात का तबादला हुआ। और उसमें बुनियादी तौर पे जो बातें की गईं वो पार्टी को नंबर वन किस तरह से मज़ीद ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है, तंजीम साजी कैसे उसको हम किस तरह से चलाएं और किस तरह से हम उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें। उसके अलावा हमारी ये भी बात हुई कि किस तरह जिस तरह के हमारे कायद इमरान ख़ान जो कि इस वक्त जेल में हैं, पिछले 9 महीने से ज़्यादा हो गया अरसा हो गया है, और जो तमाम सियासी केसेस जो उन पर बने हुए हैं और जिस तरह से उनको सज़ाएँ दी गई हैं उस पर भी बातचीत हुई। और ये भी तय हुआ कि किस तरह से हमने एक जम्हूरी और सियासी और जम्हूरी पार्टी होने के हैसियत से किस तरह से हमने पार्लियामेंट में अपने लीडर की और जो हमारी पार्टी के वर्कर्स लीडरशिप पे जो मजालिम ढाए गए, जो ख्वातीन जेल में हैं, जो हमारी पार्टी की वर्कर्स और लीडर्स ख्वातीन ख़ास तौर पे वो 1 साल से ज़्यादा हो गया है और वो जेल में हैं, ना उनके मुकदमात आगे बढ़ रहे हैं, ना उनकी ज़मानतें हो रही हैं, एक केस ख़त्म होता है तो दूसरा केस बन जाता है। और इसी तरह हमने अपने जो एक सियासी जद्दोजहद जिसमें के ख़ान साहब की रिहाई के लिए हम जो भी कोशिशें कर रहे हैं उसको मज़ीद तेज़ करने की डिमांड आई हमारी पूरे जो पार्टी के जितने भी इलेक्टेड लोग थे। अब इन हालात में जबकि आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फ़ैसला आया है जिसमें के हमारी पार्टी के जो रिज़र्व सीट थी, ख़वातीन की सीट्स थी अक़लियत की पंजाब में और सिंध में, ये सारी जो फ़ैसला हुआ है ये एक बहुत तारीखी फ़ैसला है। हमें हमेशा बावजूद कुछ जो हमारी जो एक वो क्या कहते हैं ना उम्मीदी जब भी थोड़ी आने लगती है तो हमेशा कोई ना कोई अल्लाह ताला एक ऐसा हमें एक ख़बर सुना देते हैं कि उससे हमारे हौसले मज़ीद बुलंद हो जाते हैं। ये जो आज का फ़ैसला है ये बहुत ही अहम है और इंशाअल्लाह ताला जो हमारी रिज़र्व सीट्स का जो मसला है और जिस तरह से वो लोग जो कि ये इन सीट्स का हक नहीं रखते थे और बहुत ही गलत तरीके से गैर कानूनी गैर अखलाकी तरीके से ये सीटें बांट दी गईं बाकी उन पार्टियों में जिनका कि वो ना कानूनी ना आइनी उसका वो हक रखते थे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने ये फ़ैसला देकर पूरे पाकिस्तान को एक उम्मीद की किरण भी दी है कि अदालतें फ़ैसला कर सकती हैं। और उन्होंने जो फ़ैसला किया है, अच्छे बुरे फ़ैसले अपनी जगह पर, लेकिन कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिससे कि उसका जो एक इम्पैक्ट होता है वो बहुत वसी होता है। तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह के हालात इस वक्त मुल्क के हैं, जिस तरह के एक गैर नुमाइंदा हुकूमत मैं कहूँगा कि इस वक्त जो कि हुकूमत में है और ख़ास तौर पर इस फैसले के बाद कई इलेक्शंस जो हो चुके हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, चाहे वो चाहे चीफ मिनिस्टर्स का हो, वो सारे जो इलेक्शंस थे वो उनमें अब वो जो थोड़ी बहुत एक अखलाकी जवाब था वो भी ख़त्म हो गया है। अब जो आगे जो सफ़र आ रहा है वो जंग जो है ये सियासी भी है और कानूनी भी है। हम यही उम्मीद करते हैं कि देखें जिस मुल्क में अदलिया वो खड़ी हो जाए तो उस मुल्क को कोई भी
शिकस्त नहीं दे सकता उस मुल्क को, तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। जो खान साहब कहते हैं रूल ऑफ लॉ, जो कि उनकी जंग है, देखें खान साहब आज अगर जेल में है तो हमारी वजह से हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए हैं, इसलिए कि अगर वो चाहते जिस तरह के नवाज शरीफ, जिस तरह के आसिफ अली जरदारी, ये सारे NRO करके निकल जाते थे, कोई सऊदी अरब चला जाता था, कोई लंदन चला जाता था, ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है वो बिल्कुल अपने उसके साथ एक अज़्म के साथ खड़ा हुआ है, बिकॉज़ वो ये समझता है कि ये मेरे कौम की जंग है, ये मेरे कौम का एक मुस्तकबिल का सवाल है, जिसमें कि कानून की हुक्मरानी, आईन की हुक्मरानी, इसी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। न यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, बावजूद इसके कि आज हमारे सऊदी भाई, जिनकी कि हम दिल से कदर करते हैं, उन्होंने हमेशा हमारे मुल्क में सख्त वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया है। जो MBS हैं वो पाकिस्तान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ख़ास तौर पे उनकी ख़ास इज़्ज़त है, और उस इज़्ज़त की वजह ये भी है कि हमारे आखिरी आयाम में उनकी कोऑपरेशन की वजह से हमने OIC का वज़रा ख़ारजा के 2 दफ़ा हमने इजलास हुए, जो कि अगर ये जो प्रिंस MBS हैं उनकी मदद ना होती तो हम ये ना कर सकते। हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं और हम उनको अपने मुल्क में वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि वो एक हमारे एक ऐसे इस्लामी मुल्क हैं जिसने कि हमेशा पाकिस्तान के कड़े वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया, लेकिन साथ ही साथ में हम ये कहेंगे कि जो इस वक्त का जो सेटअप है उसमें काफ़ी सवालात हैं, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि हम ये नहीं कह सकते कि एक ऐसे हुकूमत है जो कि अवाम की नुमाइंदगी करती है, लेकिन हम उनको वेलकम अगेन करते हैं और हम इंशाल्लाह उनको उनके साथ हमेशा अपनी दोस्ती रखेंगे और हम उनके हमेशा एहसान मंद भी रहेंगे और उनके हमारे दिलों में जो उनके लिए इज़्ज़त है वो बरकरार रहेगी। आखिर में मैं ये समझता हूँ कि देखें जी, इस वक्त जो मुल्क जिस हालात से गुज़र रहा है, हमें इसका बहुत ही ज़्यादा, जिस तरह के अवाम महंगाई में पिस चुके हैं, मज़ीद महंगाई आएगी। ये जो गंदम का स्कैंडल हुआ है, एक तरफ हम $1 अरब IMF के लिए तरले कर रहे हैं, क्या कुछ हमने नहीं किया वो $1 अरब हासिल करने के लिए, और दूसरी तरफ जो है तो हमें ये पता चला है कि गंदम में 1.3 अरब जो है वो उसमें कमीशन्स हो गई हैं और उसमें घपला हुआ। अब देखें, ये जब गैर नुमाइंदा हुकूमत होती है तो फिर उसमें यही चीज़ें होती हैं। अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, जो कि इस वक्त बराए नाम इलेक्टेड है, इसमें कई ऐसे हैं जो लगती तो फाख्ताएँ लेकिन असल में गर्गस हैं, वो इस पूरी शफाफियत और इस पूरी इसकी लेजिटिमेसी को कम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो हम ये तवक्को रखते हैं कि कानून और आईन अपना रास्ता बनाएगा, अदालतें ऐसा फ़ैसले देंगी जो मुल्क की बेहतरी की हों, PTI की नहीं ज़रूरी, मुल्क की बेहतरी। असल चीज़ यही जदोजहद है इमरान खान की, यही जदोजहद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत बहुत शुक्रिया। आज अमरीकी सफीर से जो मुलाकात हुई है उस पर सर जो मामला था, अलामिया तो आपका जारी हो गया, उसकी तरह तफसीलात बताइएगा, बॉडी लैंग्वेज क्या थी, किन किन अहम कौमी इश्यूज पर बात हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिका खान साहब, इस वक्त हम लोग KP हाउस के सामने खड़े हैं और इलामिया यहाँ पे जारी हो रहा है। हमारा जो पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग, सारे सूबों के हमारे MNAs, MPs, सेनेटर्स हजरात मौजूद हैं और मेरे फाजिल बड़े भाई शिवली फराज साहब ने, लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन इन द सेनेट, उन्होंने मुफसल ब्रीफिंग दे दी है। आपके क्वेश्चन का जवाब, देखिए स्टेट क्राफ्ट में या कहीं पर भी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी जाती, आपके कैपेबिलिटीज़ देखी जाती हैं। और हमने एक चीज़, रऊफ हसन साहब भी इतफाक़ से उस मीटिंग का हिस्सा थे और साथ बैरिस्टर गौर साहब भी थे और सर कैसर साहब भी थे, एक चीज़ हमने पावर कराई है जो कि हमारे लीडर ने हमेशा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हमें तलकीन की और सिखाई है,
कि आपने बराबरी की सतह पे बातचीत करनी है और हमारा एक मुतालबा या हम लोग जो चीज़ बावर कराना चाह रहे थे कि बैनुल अक्वामी दुनिया को जिसमें अमेरिका भी शामिल है उसको पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आइन और कानून की रिस्पेक्ट होगी पाकिस्तान में तो फिर लंदन प्लान नहीं होगा। आइन और कानून की पासदारी होगी पाकिस्तान में तो फिर जो इंजीनियर्ड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था वो नहीं होगा। आइन और कानून की पासदारी पाकिस्तान में होगी तो फिर जो इंजीनियर्ड 9 मई था वो पाकिस्तान में नहीं होगा। आपका आइन और कानून की पासदारी होगी तो फिर फॉर्म 47 की बैसाखियों वाली हुकूमत पाकिस्तान में नहीं होगी। आइन और कानून की पाकिस्तान में पासदारी होगी तो फिर 1.3 अरब डॉलर यानी कि 350 अरब रुपए का गंदम का स्कैंडल नहीं होगा और पंजाब और पाकिस्तान के किसान दर बदर नहीं फरेंगे। ये चीज़ हमने पावर कराई है कि हम किसी से कोई चीज़ नहीं मांगते हैं, हम डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान में भी आइन और कानून की पासदारी हो और उसको सारी दुनिया माने। अच्छा सर, के आज के इजलास में 9 मई आ रहा है, उस हवाले से कुछ क्या हुई है, आया कि फिर क्या इत्तेजाज करेंगे क्या? बिल्कुल, हम लोग एक सियासी पार्टी है, हम कोई एनजीओ नहीं है। आइन और कानून की पासदारी करते हुए पीसफुल यानी कि पुरमन एहतजाज हम लोग पूरे पाकिस्तान में करेंगे, जिस तरह के मेरे फाजल दोस्त शिबली फराज साहब ने, रऊफ हसन साहब ने और अलामिया में आपको ब्रीफ कर दिया होगा। हम लोग हर जगह करेंगे, पुरमन एहतजाज भी होंगे, रैलियां भी होंगी, पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी होगा, कैदी नंबर 804 मेरे महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तस्वीर भी होंगी, हमारे शहदा के नाम भी होंगे सोशल मीडिया पे और उनकी तस्वीर भी होंगी। अच्छा सर, ये बताइए आप तीनों में से जो वाजे जवाब दे सके कि जो सूरत हाल बन चुकी है पीएसी चेयरमैन को लेकर, गुज़श्ता कई दिनों से कई नाम सामने आ रहे हैं, पहले ज़ाहिर है दूसरी जमात के सरबराह का नाम आया, उसके बाद एक नाम जो खान साहब ने दिया, आज एक नए नाम की खबरें चल रही हैं, हकीकत क्या है? देखें जी, मेरा ख्याल है आप बात करें। देखें, बात यह है कि आपको ये जहन में रखना होगा कि खान साहब जेल में हैं, उनसे जो मुलाकातें होती हैं वो एक ऐसे माहौल में होती हैं कि जिसमें 20-30 मिनट से ज़्यादा गुफ्तगू हो ही नहीं सकती और वो गुफ्तगू भी चूँकि 6 लोग बैठे होते हैं तो कई, और वहाँ पे सारे प्लस ग्लास वॉल के पीछे खान साहब बैठे होते हैं तो, और हफ्ते में एक दफ़ा होती है, कई मुलाकातों में कई जो हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें गैप आता है और उसकी वजह से हमारी जाहिर है कि इन हालात में जो फैसला साजी है उसमें कई सुकम नज़र आएंगे, लेकिन वो सुकम ऐसे नहीं है कि जिससे हम ये कहें कि जी पार्टी कभी एक फैसला करती है कभी दूसरी करती है। आपको मालूम है कुछ लोग जो है उसके दौरान मिलते हैं जब खान साहब की कोर्ट हेयरिंग होती है और दूसरे वो जो कि जो मेरात के दिन पॉलिटिकल लोग मिलते हैं, तो ये इस किस्म की हालात में इस किस्म के ऊपर नीचे आगे पीछे चीज़ों का डिस्टॉर्ट होना ये कुदरती अमल है, तो इसलिए इसको ये ना समझें कि कोई अंदर जो है कोई एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। तरीक़ाकार होता ये है कि जब खान साहब पॉलिटिकल कमेटी उन्होंने बनाई हुई है और वो पॉलिटिकल कमेटी जो है तो अपने हर सूबे से है और उसमें वो लोग हैं जो कि खान साहब के अपॉइंट करता हैं, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हम तीनों में से किसी ने किसी को एक शख्स को ना हम निकाल सकते हैं ना उनको किसी और को नए को ला सकते हैं। वो कमेटी कई सियासी इश्यूज़ पे, चूँकि खान साहब को भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है क्योंकि वो जेल के पीछे हैं, जेल में हैं वो, तो उनको एक एडवाइस हम करते हैं कि जी रिकमेंडेशन हमारी पोलिटिकल कमेटी की ये हैं और उनको हम वो पूरी वो रिकमेंडेशन दे देते हैं और फैसला खान साहब का होता है, उसमें पॉलिटिकल कमेटी फैसला नहीं है, ये वो प्लेटफॉर्म है जो कि रिकमेंडेशंस देता है अपना, क्योंकि बाहर हैं हम लोग तो हमें ज़्यादा इनपुट है और हकीकी चूँकि पार्टी के लोगों से भी हमारा वो ताल्लुक़ रहता है तो हम उस बुनियाद पर खान साहब को एक अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं और फिर फैसला खान साहब करते हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये जो मुलाकात हुई है अमरीकी सफीर के साथ,
ये किसकी ख्वाहिश पे हुई है, और दूसरा ये बताएं कि अबानी चेयरमैन को इस मुलाकात का पता है? ये देखें, सबसे पहली बात ये है कि ये मुलाकात नोट वर्बल फॉरन ऑफिस की तरफ से आया था, और उस पर अमेरिकन सफीर ने जो ये बैसाखियों वाले वज़ीर आज़म हैं उनसे मुलाकात करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, और उसके साथ साथ मेरा ख्याल सदर के साथ थी और लीडर ऑफ दी अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली के साथ थी, और ये चीज़ पॉलिटिकल कमेटी में रखी गई थी, और ये मुलाकातें जो हैं ये डिप्लोमेटिक फोर के साथ जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से आती हैं वो आप करते हैं, और उस पर मुल्क के हवाले से बातचीत होती है, और जिसका मैंने बात की कि पब्लिक की हम लोग वही बातें उस पर हम लोग जोर देंगे जो हमने अंदर भी की थी, और वो है एक पॉइंट एजेंडा, आइन और कानून की पासदारी, उस पर हमने बार बार स्ट्रेस किया। देखिए दो चीज़ें आपको आपको एक चीज़ टिक्का खान साहब सेपरेट करना चाहिए, एक पाकिस्तान की जो ट्रेड है, अमरीका पाकिस्तान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में खुशहाली आए, पाकिस्तान में तजारत बढ़े, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स आए, उसके लिए मैं फिर वहीं पे आता हूँ, जो पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी होगी, तो जिस तरह की शिबली फराज साहब ने ये कहा कि हमारे जो सऊदी इन्वेस्टर आ रहे हैं आए हुए हैं, हम लोग उनको अहलन व सहलन कहते हैं, वेलकम कहते हैं, पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना जब तक हम लोग रिएट करते हैं कि आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपका जो फाइनल डॉक्यूमेंट साइन होता है उस पे आर्बिट्रेशन क्लॉज होती है, आर्बिट्रेशन क्लॉज के अंदर ये होता है कि आपका तनाज़े के दौरान आप कौन सी अदालत को तरजीह देंगे, तो लिहाजा जब वो पाकिस्तान की अदालतों पे इतबार नहीं करेंगे तो बैरून मुल्क अदालतों पे जाएंगे, तो वहीं पे डील ख़त्म हो जाती है। सर ज़रा ये फरमाइएगा कि जो आज का इजलास था इसमें मैंडेट फॉर्म 45 के तहत वापसी के हवाले से और अलावा से क्या बड़े फैसले, और दूसरा खान साहब की राय के हवाले से क्या तजावीज़ सामने? जी देखें हमारी जो इस वक्त कमेटी, ये जो हमारे सारे साथी आए हुए हैं जिसमें सारे इलेक्टेड MNAs, MPAs, सेनेटर्स और वो लोग जो के फॉर्म 47 के शिकार हुए हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं, इसमें हमने मुख्तलिफ पहलुओं पे बात की है, जिसमें कि एक पार्टी डिसिप्लिन था, दूसरा ये था कि हमने खान साहब की रिहाई के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार करना है, और वो लाहे अमल जिस तरह के उमर अयूब साहब ने कहा कि वो कानून और आइन के एम्बेड के दरमियान पीसफुल तरीके से हम एक सियासी जदोजहद, कानूनी जदोजहद, और हम पाकिस्तान के आवाम जो कि वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान के आवाम जिन्होंने के 8 फरवरी को एक भरपूर तरीके से बावजूद इसके के मुख्तलिफ सिंबल्स जिस तरह के थे आपको सबको पता है, उसके बावजूद पाकिस्तान के आवाम ने एक मैंडेट दिया, और वो मैंडेट उसका जो बुनियादी मकसद ये था कि हमने खान साहब को उनके उनके महबूब कायद को किस तरह से हमने बाहर लाना है, तो जाहिर है कि हम ना कोई ऐसी कोई गुरीला फोर्स हैं, ना कोई हम एक ऐसी एक तंजीम है जो कि गैर सियासी तरीके से अपनी इस जद उनकी रिहाई मुमकिन बना सके, तो हमने उसके लिए अपनी एक लाहे अमल तय किया है जिसका कि हमारे जो पार्टी का इस वक्त भी जारी है, चूँकि वो थोड़ा लेट हो गया था इस वजह से हम उसकी जो कंक्लूजन है वो उस पर अभी हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन एक पार्टी अलामिया होगा जिससे कि हम ये सारे जो भी तय हुआ है उसकी हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर एक सेकंड मैं एक बात कर दूँ, आखिरी चीज़ मैं कर दूँ जी, जनाब जो आपका अल्लाह भला करे जो आपके जलसे एक्सेट्रा हैं वो शुरू हो गए, धरना जिस वक्त खान साहब कहेंगे उस वक्त होगा। थैंक यू जी।